खबर हरपन न्यूज, आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। बामरना गांव के पशु चिकित्सालय के इंपायर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव द्वारा इन दिनों पशु बीमा योजना के तहत शहरी तथा ग्रामीण अंचल के पशु पालकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर बैंकों से ऋण मुहैया कराया जा रहा है। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने बताया है कि उनके अस्पताल के अंतर्गत 44 गांव एवं 5 पंचायतें आती हैं, जिनके पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड के द्वारा फार्म भरवा कर रोजगार मुहैया कराने के लिए बैंकों से मात्र 3% ब्याज में ऋण मुहैया कराया जा रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? नाम जंडन सिंह। जंडन सिंह, किस गांव से हैं आप? नाम तिगरा से। तिगरा, तिगरा गांव से आए हो जंडन सिंह? बताओ, ये पशु चिकित्सालय में आप आए हो, केसीसी के लिए आए हो? केसी के। तो फार्म भर गया आपका? नहीं भरा है सर। फार्म भरने के लिए आए हो? लोन लेना चाहते हैं आप? किसके लिए लोन चाहते हैं आप? अपने खेती के लिए। नहीं, काय के लिए? पशु क्या है? पशु भैंस है। भैंस के लिए कितना लोन मिल रहा है आपको यहाँ? अब देखा कितना मिलता है सर। नहीं बताया, नहीं कितना लोन मिलेगा एक भैंस पर? एक भैंस का 20,000 रुपये। तो उस लोन के लिए फार्म भर रहे हैं आप? फार्म भर रहे हैं। तो अभी तक लोन लिया नहीं आपने पहले कभी? लिया। कोई परेशानी तो नहीं रही आपको? डॉक्टर साहब, आप चिकित्सालय में फार्म भरे जा रहे हैं किसी चीज़ के, तो कितने फार्म भरे गए हैं अभी तक? अभी तक कुल 35 फॉर्म पशुपालन केसीसी के जमा हो गए हैं जी, जिसमें कि विभिन्न बामर के विभिन्न बैंकों के हैं ये जी। और इसमें पशुपालकों को 20,000 रुपये प्रति भैंस पे, 18,000 रुपये प्रति गाय पे जी मिलेगा। ये मिलेगा। तो अभी आपके जो है अस्पताल के कितने गांव आते हैं? अस्पताल में साहब 44 गाँव है, 5 पंचायत हैं। तो आज कौन कौन से गाँव के लोग फार्म भरने के लिए आए हुए हैं? आज ज़्यादातर पिनावली, सिकरौली, विजयपुरा जी, तिगरा जी, यहाँ पे आए हुए, यहाँ भरने के लिए आए हुए। तो इनसे बैंकों से लोन मिलेगा इनको? बैंक से इनका केसीसी बन जाएगी, जैसे फसल केसीसी होती है वैसे पशुपालन केसीसी बन जाएगी। इनको फायदा क्या रहेगा बैंक से? कुछ अलग से कोई रियायत वगैरह है इनके लिए? रियायत यह है कि केवल मात्र 3% ब्याज इनको लगेगा जी, ऋण वापसी पे जी, ऋण वापसी 3% लगेगा। ये सबसे